पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया? क्या पढ़ा था आपने? ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इतने क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? जिन आपको बहुत सारे नाम मैंने बताए थे, ये वाला तो नहीं पता है। अच्छा, ये भी स्किनर द्वारा दिया गया है। आपने देखा कि सीखने के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। क्या सीखने के सिद्धांत ये दो प्रकार के होते? कौन कौन से बताइए? व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक में आपने किसको किसको पढ़ा? थांडाई, पावलो और स्किनर। संज्ञानात्मक में आपने किसको पढ़ा? है ना, आपने थांडाई में पढ़ा कि इनकी थ्योरी को एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। एसआर थ्योरी मतलब उद्दीपक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। है ना, आपने देखा सीखने के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। एक आपका व्यवहारिक होता है संज्ञानात्मक। व्यवहारिक सिद्धांत में जो है आपके थांडाई, पावलोव, स्किनर। और व्यवहारिक सिद्धांत के जनक किसको मानते हैं? वॉटसन को। वॉटसन इनको क्या मानते हैं? व्यवहारवादी, व्यवहारवादी शाखा के जनक। इन्होंने बताया बाल विकास जो है वो क्या है? व्यवहार का अर्थ है। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए। वैसे भी वीडियो में तो आपका रहता है, दो बार, तीन बार, चार बार देखो। अच्छा कोई नहीं, नोट कर लिया करिए आप लोग। क्या हुआ? अच्छा देखिए, सीखने का सिद्धांत आपका कई प्रकार के होते हैं। इसमें आपके और भी प्रकार हैं, जिसमें आपका सूझ का सिद्धांत है और समीपस्थ का सिद्धांत है, वो सारे आते रहते हैं। लेकिन जो मेन है, जिसमें व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है, वो एक आपका व्यवहारात्मक है और दूसरा संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक में जो है वाटसन इसके जनक माने जाते हैं। व्यवहारवादी, व्यवहारवादी शाखा के जनक जो है वाटसन माने जाते हैं, और इसके समर्थक जो है थांडाई है, पावलोव है, स्किनर है। और संज्ञानात्मक के तो आप जानते हैं जीन पियाजे ने चार अवस्थाओं में बालक की बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा हुआ और बताया किस तरीके से मानसिक जो है परिवर्तन हर अवस्था में अलग अलग प्रकार से होता है। क्लियर? इसमें आपने देखा चार अवस्थाएँ होती हैं और उसमें हर इसमें संज्ञानात्मक में जीन पियाजे ने ये बताया अलग अलग अवस्थाओं में बालक का विकास अलग अलग होता है। इन्होंने ये बताया कि चार, और इन्होंने अवस्थाओं को चार प्रकार से बांटा। पहला क्या था आपका? संवेदी पेशी। इसमें क्या बताया? बच्चे का संवेदना क्या होता है? वही प्रमुख होता है। बालक इससे जो है जो भी क्रिया करता है उसमें क्या संवेदनाओं की प्रमुखता होती है। क्रिया वो हाथ पैर से करेगा नहीं। 0 से 2 वर्ष का बालक जो है
जीरो से दो वर्ष का बालक क्या करेगा? अपनी संवेदनाओं को ही जाहिर करेगा। संवेदनाएं आपकी क्या क्या हुई? स्पर्श हुआ, गंध हुआ और ध्वनि हुई। छोटा बालक अपनी माँ को छूता है, उसका स्पर्श समझता है, और दूसरों का घर के परिवार के अलग अलग लोगों का उसको स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं? जब उसकी माँ लेती है तो वो चुप हो जाता है, दूसरा कोई लेता है तो वो रोता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उस चीज़ का स्पर्श, जो आपका संवेदी पेशी है उसमें जो स्पर्शता जो है उसका प्रमुख होता है, और उसको उसका क्या होता है, ज्ञान होता है या एहसास होता है। यहाँ क्या कहते हैं कि बालों को स्पर्श का एहसास होता है, वो अपनी माँ का स्पर्श बहुत अच्छी तरीके से समझता है, है ना। फिर गंध भी समझता है, प्रकाश से वो क्या करता है, विचलित भी होता है, हंसता भी है, भयभीत भी होता है, और ध्वनि, ध्वनि भी उसके आकर्षण का कारण होता है। किसी की ध्वनि हो रही तो बालक जो है क्या करता है, ध्यान से सुनता है। शिशु की बात हो रही है जो जीरो से दो वर्ष की अवस्था में है, उसी जिन पियाजे ने बताया कि वो उनकी संवेदनाएं जो है वो प्रमुख होती हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वो भी जो क्रिया करते हैं वो क्या होती है, संवेदी प्रमुख होती है, इसलिए इस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसमें भी उन्होंने छह भाग बताया हुआ है कि उसमें जो है अलग अलग अवस्थाओं में बालक अलग अलग क्रिया करता है। फिर उसमें उन्होंने दूसरा बताया आपका क्या है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद कर लीजिए फिर से, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में ये व्यवस्था कब से कब तक की है, दो से सात, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है जी, पूर्व प्रत्यात्मक प्रत्यात्मक और अंत प्रत्यात्मक। पूर्व प्रत्यात्मक आपका जो होता है वो कब तक होता है, दो से चार, और ये चार से सात। उन्होंने बताया किसने, पियाजे ने, ये जो है उनके मानसिक स्तर का अध्ययन किया हुआ है, जिन पियाजे ने बालक की मानसिकता का अध्ययन किया हुआ है कि जैसे जैसे बालक जो है धीरे धीरे बड़ा होता है उसका मानसिक विकास धीरे धीरे होता है, और जब मानसिक विकास धीरे धीरे होता है तो बहुत सारी चीज़ों की क्या करने लगता है, समझ हो जाता है उसे, वो सारी चीज़ों को क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। अब देखिए बालक जब दो से चार वर्ष की अवस्था में आता है तो आप जो जैसी चीज़ें कहते हैं वो वैसा मान लेता है, कहने का मतलब ये रटने का या अनुकरण की अवस्था होती है। आपने इससे भी पहले पढ़ा है, जितना जो है आपके हरलॉक ने बताया है और रॉस ने बताया है, इन सारे लोगों ने क्या बताया है कि बालक जो है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो से छः वर्ष या छः से बारह वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, बाल्य अवस्था। इससे पहले जिन लोगों ने शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में वर्गीकरण किया हुआ है इस अवस्थाओं का, उसको क्या बताया है, बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था की क्या प्रमुखता है, जो उसकी विशेषता है वो इसकी विशेषता है। इसमें क्या है, उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों लिए हुए हैं, और इसमें क्या लिए हुए, सिर्फ मानसिक विकास पे इन्होंने प्रकाश डाला है। क्लियर। इसमें उन्होंने मानसिक विकास पे प्रकाश डाला हुआ है, मानसिक विकास की अधिकता को इन्होंने क्या किया है, दर्शाया है। उसमें क्या बताया है कि बालक जब इस अवस्था में आता है, दो से सात वर्ष की अवस्था में आता है, तो बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करने लगता है, समझने लगता है, और क्या करता है, उनके बारे में जैसा आप बताते हैं अनुकरण करता है। आप जानते हैं ना बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो दूसरों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, देख के सीखते हैं, करके सीखते हैं, है ना। तो ये उनकी दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था क्या है, ठोस या मूर्त, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठोस कह लीजिए या मूर्त कह लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है बालक, जितने भी मूर्त चीजें हैं, मूर्त मतलब जिसको वो छू सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, जो सामने से दिखाई दे रही है, जो ठोस है
जो स्थूल हैं उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं या ठोस कहते हैं। मूर्त चिंतन क्या होता है, जिस विषय को आप देख रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है, उसके विषय में चिंतन करना क्या कहलाता है, मूर्त चिंतन कहलाता है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है, मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन क्या होता है, जैसे इसमें और इसमें वो बता देगा अंतर कि कौन छोटा है क्या बड़ा है ना, दो तीन चीज़ों में क्या बता सकता है, अंतर बता सकता है बालक। अब वो इस काबिल हो चुका है, उसका दिमाग, उसका मानसिक स्तर थोड़ा डेवलप हो चुका है, थोड़ा विकसित हो चुका है, वो चीज़ों में क्या अंतर पहचानने लगा है। जैसा कि आप जानते हैं दो चीज़ों में जो है, दो चीज़ों के बीच में समानता बताना आसान होता है, मुश्किल क्या होता है, भिन्नता बताना। तो बालक अब इस स्थिति में आ गया है कि किसी दिन दो चीज़ों के बीच में अंतर कर सकता है। अब जैसे दो ग्लास रखा है, बालक से पूछा गया कौन छोटा कौन बड़ा है, ये तो वो देख के बता लेगा कि हाँ कौन छोटा कौन बड़ा है। अगर उससे पूछा जाता है पानी किस में ज़्यादा आता है, तो ये क्या हो गया, वो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करेगा और बताएगा गिलास बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा और ये छोटा है इसमें कम पानी आएगा। इसे इस अवस्था में बालक बहुत सी सारी चीज़ों का क्या कर सकता है, वर्गीकरण भी कर सकता है। अभी तो ये क्या कर रहा है, अंतःकरण कर रहा है, यहाँ वर्गीकरण भी कर रहा है और बालक जनरलाइजेशन सामान्यकरण भी इस अवस्था में कर लेता है, लेकिन अभी वो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। इसको जो है आप कोई प्रतीक दे दीजिए उसके विषय में वो चिंतन कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। अभी वो क्या है, उसका मानसिक स्तर अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, अभी वो मैच्योरेशन में नहीं पहुँचा है, अभी उसका माइंड क्या है, अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है। इज इट क्लियर। इसमें क्या करता है, बहुत सी वस्तुओं में क्या करता है, वो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। अब आप देख लीजिए, घर में देख लीजिए, प्लेट है, ग्लास है, चम्मच है, बहुत सारा बिखरा पड़ा है। अब बालक से आप कह दीजिए कि जो जिधर है उसको कर दो, तो छोटे बालक की आप जानते हैं ना कितने उत्साहित होते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, सोचते हैं मम्मी का काम करवा दें। छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं रोटी हम बना दें, देखते हैं ना आप लोग, सोचते हैं घर का काम झाड़ू कर दें, ये कर दें। उनमें ये बड़ी उत्सुकता होती है कि जो हमारे बड़े कर रहे हैं हम उसको करें, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की उनकी प्रवृत्ति होती है कि जो बड़े कर रहे हैं वही हम करते हैं, करना वो पसंद करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आप जब बालों को जो चीज़ें बताते हैं वो उनके दिमाग में बैठ जाता है, उसके बारे में वो अधिक चिंतन नहीं करते। अगर आप बताते हैं कि पृथ्वी गोल है तो वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ पृथ्वी गोल है, उनको ये कहना वो बड़ों का अनुसरण करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमारे बड़े बता रहे हैं वो क्या है, सत्य है, पूरी तरीके से सत्य है। वो आप बता रहे हैं पृथ्वी गोल है तो वो गोल मान रहे हैं, आप बता रहे हैं सूर्य बहुत दूर है लेकिन क्या है, पृथ्वी से बहुत बड़ा है, वो ये मान रहे हैं ना। साइंस के मैथ के जितने भी बुक्स पढ़ते हैं 7 ईयर के बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, जितने भी उनमें फैक्ट दिए गए हैं, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य दिए हैं, उन सबों का क्या करते हैं, रटते हैं उस चीज़ को, वो सत्य मानते हैं। लेकिन जब वो चौथी अवस्था में पहुँचते हैं, इतनी बात समझ में आई, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा 2 बार 3 बार 4 बार, पढ़ा के चले जाने से कोई मतलब नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आए। आप लोग यहाँ जब आ रहे हैं कुछ लेने के लिए तो समझ के जाइए ना, कोई मैटर नहीं है कि इसे एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक को 10 बार बताया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। चौथा अवस्था आपका आता है अमूर्त चिंतन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसे औपचारिक भी कहते हैं। अमूर्त मतलब क्या होता है, जिनके विषय में आप नहीं देख रहे हो उनके प्रति उसके क्या प्रतिमान से, प्रतिमान या सिंबल से आप उनके विषय में चिंतन कर रहे हैं, जो अज्ञात है, जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, उसके विषय में भी आप चिंतन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या तो फॉर्मल या औपचारिक, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक ही अवस्था के कई सारे नाम हैं, है ना,
ये औपचारिक, इसे आप कोष भी कह सकते हैं, मूर्त भी कह सकते हैं, या तो आप इसे स्थूल भी कह सकते हैं। आपने पढ़ा है ना सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल ये क्या है आपका, ये आप जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, ये आपके शिक्षण सूत्र हैं। इनका जो है शिक्षण में, शिक्षण क्या है, सीखने और सिखाने की विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सूक्ष्म से स्थूल की ओर कहने का अर्थ है कि आप बहुत कम, बहुत छोटे चीज से आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत व्यापकता में जा रहे हैं। बहुत सी छोटी चीज लेके आप उसके विषय में बहुत व्यापक उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप इस अवस्था में जब पहुंचते हैं, औपचारिक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो आप ज्ञात जानते रहते हो उसके विषय में क्या अज्ञात चिंतन करते हैं। और इसमें किसका प्रयोग होता है, ज्ञात से अज्ञात, जो आपको पहले से नॉलेज है उसके आगे की नॉलेज के बारे में आप क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में आप क्या दिन रात प्रयत्न करते हैं उसके आगे के ज्ञान हासिल करने के लिए। और यही जो ज्ञान हासिल करने के लिए आप जिस विधि का प्रयोग करते हैं, जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं शिक्षण में, वो सूत्र क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें बालक क्या करता है, इस अवस्था में आने के बाद बालक जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन कहने का मतलब कि अगर आपने उसको बताया है कि पृथ्वी गोल है, अब वो इसमें क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, अब वो क्या करेगा, इस पे विश्लेषण करेगा, इसका विश्लेषण करेगा, वो कहीं YouTube पे देखेगा, बुक से देखेगा, और उसे पूछेगा जिनसे, जिससे जिससे उसका जानने की इच्छा होगी, जिसको समझेगा कि ये मेरा प्रॉपर उत्तर दे सकते हैं, मुझे सेटिस्फाई कर। आप एक बात जानते होंगे कि बच्चे बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होते, है ना, उनको संतुष्ट करने के लिए आप बहुत सारी, यही जो ये सारी इतनी सारी विधियाँ जो आपको बताई जाती हैं, शिक्षण कला जो आपको सिखाया जाता है, बस इसीलिए ताकि आप बच्चे को संतुष्ट कर सकें। आप जब यहाँ आते हैं पढ़ने तो अपने संतुष्टिकरण के लिए ही आते हैं ना, फीस जमा करने तो आप सोचते हैं कि जितना हमने फीस दिया है उतना हमें क्या मिले, नॉलेज हो, उतना नॉलेज हम गेन करके जाएं। तो इस तरीके से बच्चों में भी ये होता है कि वो संतुष्ट जल्दी नहीं होते। अब देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन और जो है आपके एडिशन तो आपके बुकों में दिया होगा, बहुत छोटी कक्षाओं में उनका पाठ दिया रहता है, बताइए कुछ उनके बारे में, एडिशन के बारे में तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, बताइए एडिशन के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा किसका आविष्कार किए, विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, बहुत सारे आविष्कार उन्होंने किए, हाँ 1000 से ज़्यादा आविष्कार उन्होंने किया हुआ। और वो बचपन में क्या करते थे, इतना क्वेश्चन करते थे कि उनके टीचर जो है उनसे परेशान हो गए, एकदम उनसे फेडअप हो गए, और क्या कहते हैं, आज के बाद तो मेरे क्लास में नहीं आऊँगी, क्लास से बाहर कर दिए हमें। और उनकी माँ इतनी धैर्यवान थी कि जितना भी वो क्वेश्चन करते उनका क्या करती थी, उत्तर देती रहती थी, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है, हर प्रकार के प्रश्नों का वो उत्तर दिया करती थी। और एक समय ऐसा आ गया कि एडिशन इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए, है ना। तो बच्चे जो बच्चे के अंदर संतुष्टिकरण की भावना होती है, जब तक वो आपसे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, वो आप कितना भी उन्हें अवॉइड करते रहे, बाहर करते रहे, वो अपने प्रश्नों की जो शैली है उसको कम नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर जिज्ञासा और लालसा और बढ़ती जाएगी, है ना। तो इस अवस्था में जब आते हैं बालक तो उनके अंदर जो है अपने आप को संतुष्ट करने की बहुत लालसा होती है, और वो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत लोगों से पूछते हैं, खुद अन्वेषण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और जब वो इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ आने के बाद उनको अपना संप्रत्यय, अपनी धारणा खुद बनाते हैं। इससे पहले क्या है, जो आप उनको सिखाएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो उनके दिमाग में बैठता है, लेकिन यहाँ आने के बाद इस स्थिति पे वो अपना संप्रत्यय स्वयं क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, अपने आप में स्वयं बनाते हैं। और इस अवस्था में आने के बाद बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है।
अभी इस स्टेज पर आने के बाद और लोगों ने रास ने हर लॉक ने क्या बताया है, यहीं से उसके जीवन का निर्माण होता है, यहीं से वो अपने जीवन का लक्ष्य क्या करता है, तय करता है, क्योंकि अब बालक क्या हो चुका है, मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका है। किसके शब्दों में? पियाजे के शब्दों में, जीन पियाजे के शब्दों में बालक अब मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका है या एकदम उस सजग आस्था पे पहुंच रहा है। और रास और हरलॉक के अनुसार वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका है, अब वो अपने जीवन में प्रौढ़ का रूप धारण कर रहा है ना। आप लोगों ने सुना देखा है किशोरावस्था के बाद क्या आता है, प्रौढ़ावस्था आता है। और इसी अवस्था को जो है हरलॉक और रॉस ने बताया है कि बालक के भावी जीवन का निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है। भावी जीवन का, भविष्य में आने वाला क्या है वो उसका आप देखते ना, पूर्व अनुमान कर लेते हैं कि बालक बड़ा होकर क्या बनेगा। आप जब देखते हैं कि बच्चा विवेकानंद के, आपने देखा होगा कि उनके टीचर ने उन्हें बचपन में ही कहा कि होनहार हो वीरवान के होत चले पा, उनको देख के कि वो इतना ज़्यादा जो है पढ़ने में इंटरेस्ट और चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते थे कि उनके टीचर को समझ में आ गया कि ये एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों का क्या लक्षण जो होता है वो परिचालित होने लगता है कब, इसी अवस्था में आने के बाद बचपन से ही दिखने लगता है बच्चों में आगे चल के ये कैसे होंगे। और इसके बाद इस अवस्था में आने के बाद आप उनके जीवन का निर्धारण कर सकते हैं और उनके व्यवहार में क्या ला सकते हैं, वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। इसी व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए इतने सारे सिद्धांत दिए गए हैं कि बालक के या जानवर के या किसी के भी व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया, अपनी थ्योरी प्रस्तुत की है, पूरा का पूरा सिद्धांत स्किनर के विषय में आप लोगों ने पढ़। इनका समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, आ गया ना। कि बालक इसमें आने के बाद क्या करता है, औपचारिक अवस्था, औपचारिक चिंतन करने लगता है। औपचारिक चिंतन मतलब बिना देखे किसी वस्तु के बारे में वो चिंतन करने लगता है। अब जैसे इस अवस्था में आ गया बालक, इस अवस्था में जब बालक पहुंच गया तो अब ये सोच रहा है कि आगे का मेरा कैरियर क्या होगा, मैं कौन सी लाइन सेलेक्ट करूं, अब उसके विषय में वो चिंतन करने लगा। अभी तक वो जब स्कूल एज में था, इससे पहले स्मार्ट एज में था, इस इन सब एजों में था, तो उसको ये नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। वो क्या करता था, पढ़ाई करता था, स्कूल जाके स्कूल आके पढ़ाई करता था, घर जाके सोता था, पढ़ लिया फिर इसके बाद। अभी तक उसे ये नहीं पता था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसके बाद जब इस अवस्था में बालक आता है तो वो सोचता है कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, है ना। जीविकोपार्जन का साधन वो ढूंढता है कि जीवन में आगे कैसे जीवन को बढ़ाना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। आप जो है पढ़ाइयाँ व्यवसाय के लिए ही कर रहे हैं, है ना, सबसे बड़ा यही है ना आपका रीज़न कि आप जो है अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक व्यवसायी बन जाए। और आप जानते हैं कि शिक्षक जो है एक बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यवसाय है, सम्मानजनक व्यवसाय है। तो बालक यहाँ आने के बाद, इस स्थिति में आने के बाद वो अपने विषय में सोचना स्टार्ट करता है, मैं क्या हूँ, मेरा आगे का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरा स्तर क्या होना चाहिए, मुझे कैसी पढ़ाई करनी है, मुझे कैसी पढ़ाई करके आगे जाना है, ये सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। इसीलिए जो है हरलॉक ने बताया है ना कि स्टेल ने हॉल ने क्या बताया है कि ये जो है तूफानी अवस्था होती है, काल्पनिक अवस्था, इस अवस्था को उन्होंने बताया है। बालक इसमें बहुत सारी कल्पनाएँ करता है, इसीलिए उन्होंने इस काल को क्या बताया है, काल्पनिक अवस्था या काल्पनिक काल। बालक इसमें बहुत सारी कल्पनाएँ करने लगता है, हाइपोथेसिस परिकल्पनाएँ भी करने लगता है इस स्थिति में आने के बाद, है ना। बात समझ में आई। जीन पियाजे ने मानसिक अवस्थाओं, मानसिकता के आधार पर बालक के बाल विकास की अवस्थाओं को चार भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है आपका संवेदी पेशी, उसमें भी आपके 6 स्टेप हैं, उसमें बालक जो है उसकी संवेदनाएं उसमें प्रमुख होती है। संवेदनाओं में उसका क्या होता है, ध्वनि लिखवा देंगे कल आपको। उसमें संवेदी पेशी में जो है आपका सबसे प्रमुख उसका क्या आता है, ध्वनि आता है, स्पर्श आता है और गंध आता है। बच्चा क्या करता है, 3 चीज़ों का प्रयोग करता है, एक तो सूंघता है, ये भी आप जानते हैं, बच्चा सूंघ के बता देता है कि मेरी माँ कौन सी है, स्पर्श भी और इसके पास ध्वनि भी, वो अपने माँ की धमक पहचानता है ना।
बच्चा सो रहा है, छोटा बालक है, 3 महीने का है, 4 महीने, 3 महीने के बाद ही जो है, पहले तो वो 0 से 15 डेज वो अकारण रोता है, अकारण सोता है, अकारण जागता है, इसके पीछे उसका कुछ नहीं होता। भूख लगी, आपने फेडिंग करा दिया, फिर वो सो गया, जाग गया, रो रहा है, इसके पीछे उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन 15 दिन के बाद बालक जब भी रोता है, हंसता है, तो उसके पीछे क्या होता है, या तो डर रहा है, या तो कुछ देख रहा है, या समझ रहा है प्रकाश की उपस्थिति, तब वो क्रिया करना स्टार्ट करता है, तब उसके अंदर क्या आती है, संवेदनाएँ जागृत होने लगती हैं। और ये जो संवेदनाएँ होती हैं बालक के अंदर, वो बहुत ही क्षणिक होती हैं। आपको पहले ही बताया है कि संवेदनाएँ जो हैं शैशवावस्था में बहुत ही क्षणिक होती हैं, वो तुरंत आती हैं और तुरंत जाती हैं। कहने का मतलब, बालक अचानक से हंसने लगता है, फिर अचानक रोने लगता है। देखते हैं ना, छोटा बालक है, सब लोग कहते हैं हंसने लगता है जब कि सपना देख रहा है, लगता है इसकी माँ इसके पास है, फिर आप देखते हैं कि रोने लगा, तो ये लगता है भगवान इसकी माँ को इससे अलग कर दे। तो ये जो संवेदनाओं का जागृति है, वो इस अवस्था में होती है। किस अवस्था में? शैशव काल। और वो किसने बताया है? हरलॉक ने बताया है, और जीन पियाजे ने बताया है। संवेदनाएं जो वो उसके मानसिकता को दर्शाती है, वो क्या है? पहचानना। वो अपनी माँ का स्पर्श पहचानता है, गंध पहचानता है, और ध्वनि पहचानता है। तो उससे क्या हो, उसकी मानसिकता में थोड़ा सा क्या हुआ, विकास हुआ। विकास मतलब थोड़ा सा उसके अंदर क्या आ गया, थोड़ा सा उसका दिमाग जो है विकसित हो गया। फिर यही जो है धीरे धीरे मानसिक जो विकास होता रहता है, बालक जो क्या करता रहता है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है, नए नए ज्ञान लेता रहता है, और यही ज्ञान आगे चल के उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। और इसे आप लोगों को, ये जो आप लोग पढ़े हैं ना औपचारिक शिक्षा, पढ़ते हैं ना औपचारिक शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है, बिल्कुल ये क्या है, औपचारिक शिक्षा जो है, एक इसका हर चीज़ इसका निश्चित होता है, इसका स्थान भी निश्चित होता है, समय भी निश्चित होता है, इसका पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है, और इसकी जो है समय सारणी जो है, टाइम टेबल भी इसका निश्चित होता है। लेकिन जो है अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। इसीलिए जो है इस अवस्था को क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्लियर? इसमें कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, घर पे पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। इसमें कोई ये नहीं है, एक बार भी नहीं आ रहा है, दो बार भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। क्या बता रहे थे हम? जी स्किनर बता रहे हैं। दीपक अनुक्रिया, तो दीपक क्या है, स्टिमुलस, और ये क्या है, रिस्पॉन्ड। आप बताइए पहले, अच्छा आप रिवाइज करिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताइए। ये बताइए उद्दीपक क्या है? वह वस्तु जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। और यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक ने उद्दीपक के रूप में क्या लिया है, भोजन लिया है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में अगर किसी चीज को किसी चीज का लालच दिया जाता है तो वो क्या होता है, भोजन, है ना। बच्चे हुए, जानवर हुए, कोई भी चीज हुआ, उसके अंदर भोजन देखते क्या होने लगता है, उसको लेने की लालसा हो जाती है, उसे खाने का मन हो जाता है, भोजन ऐसी वस्तु होती है। तो इन लोगों ने जो है अपना जो है उद्दीपन किसको रखा, भोजन को। थॉर्नडाइक ने और पावलोव ने भोजन क्या बनाया, तो
विश दिया था और इन्होंने क्या दिया था, फ्लैश दिया था ना। और जो है स्किनर ने क्या दिया था, कबूतर को इन्होंने दाने दिए थे, चूहे को इन्होंने भोजन दिया था, भोजन में छोटे छोटे टुकड़े दिए। अब देखे इन लोगों ने बताया, थॉर्नडाइक और पाउलो ने बताया, देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों की थ्योरी क्या कहते हैं, ऐसा टाइप थ्योरी कहते हैं, ऐसा टाइप थ्योरी कहते हैं थॉर्नडाइक और पाउलो को। इन्होंने बताया कि किसी भी क्रिया को करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है, कोई भी क्रिया बिना उद्दीपन के नहीं हो सकती, इनका थीसिस ये कहता है, इनकी थ्योरी कहती है। लेकिन स्किनर की थ्योरी कहती है कि किसी भी क्रिया को करने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसकी आवश्यकता होती है, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। स्किनर ने बताया, थॉर्नडाइक और पाउलो ने बताया कि किसी भी क्रिया को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उद्दीपक की आवश्यकता होती है। लेकिन स्किनर ने बताया किसी भी क्रिया को करने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता न होके पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। इनका कहना है कि अगर कोई क्रिया घटित होती है उसके सामने जो है उसके पश्चात पुनर्बलन प्रस्तुत किया जाए तो उस क्रिया को करने की संभावना बढ़ जाती है, है ना। अब एग्जांपल में देख लीजिए, अब बालक जो है आपने उसे कोई कार्य किया दिया कि आप जाइए ये लिख के लाइए, एक पेज लिख के लाइए, वो लिख के लेके आए, आपने उसको दे दिया एक्सीलेंट, ये किसका काम किया, पुनर्बलन का, रेनफोर्समेंट का काम किया। और बालक जो है उसको ये लगा कि एक पेज लिखे, सर ने एक्सीलेंट दे दिया, मैडम ने एक्सीलेंट दे दिया, और क्या करें, और पेज लिखेंगे तो और हमें क्या मिलेगा, और ज़्यादा प्रशंसा होगी, उसको ये होगा कि हम टीचर की नज़र में और अच्छे हो जाएंगे, ये किसका काम कर रहा है, पुनर्बलन का, रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या होता है, जैसा कि इसका नाम ही है पुनर्बलन, पुनर् मतलब फिर से, पुनः, और बल मतलब शक्ति। किसी भी क्रिया को करने के पश्चात अगर आपको जो है फिर से शक्ति दे दी जाए तो आप उस क्रिया को दोबारा करेंगे। जैसे आप थक गए और आपको शक्ति प्रदान कर दी गई, मतलब आप थक गए किसी कार्य को करके और भोजन दे दिया गया, आप भोजन से क्या हो गए, संतुष्ट हो गए, और वो संतुष्टि किसका कार्य की, पुनर्बलन का काम की, और फिर आप जो है कार्य में लग गए। तो इसे स्किनर ने यही बात अपने सिद्धांत में बताया है कि किसी भी क्रिया के पश्चात अगर पुनर्बलन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस क्रिया की करने की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। और उन्होंने बताया कि इसमें जो है क्रिया पहले आती है और उद्दीपन बाद में आता है। स्किनर ने बताया कि दो प्रकार के हम पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से हैं दो प्रकार बताइए, पढ़ाएं। एक आपका सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक में आप क्या देते हैं बताइए, सकारात्मक पुनर्बलन में आप क्या देते हैं, उपहार देते हैं, प्रशंसा होती है आपका। और सबसे बड़ी बात, स्किनर, थॉर्नडाइक और पाउलो ने सकारात्मक पुनर्बलन की जगह किसका प्रयोग किया,
भोजन का, क्यों आप बच्चे को भोजन देके कोई कार्य नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं ना, बच्चे को चॉकलेट देके, भोजन देके आप बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं। उसका फेवरेट कह दीजिए, आप ये काम कर दो, आपका ये फेवरेट सब्जी बना देंगे या आपका फेवरेट छोला बना देंगे, जो भी। तो क्या करता है, बालक कहता है हाँ ठीक है कर देंगे, और वो क्या करता है, उस कार्य को करता है। और स्किनर ने भी यही काम किया, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे प्रयोग किया, लेकिन सबसे कारीगर किस पे साबित हुआ, भोजन पे। जब चूहे को उन्होंने अपने केज में बंद किया, उन्होंने एक अपना बॉक्स बनाया, कंडीशन बॉक्स बनाया, जिसमें क्या लगा था, लीवर, और उन्होंने चूहे को उसमें बंद कर दिया, बाहर प्लेट रख दिया, प्लेट में क्या, छोटे छोटे भोजन टुकड़े रख दिए, है ना। और इस बॉक्स को क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स कहते हैं, है ना। इसलिए इनके इस पूरे एक्सपेरिमेंट को स्कैनरिज्म भी कहते हैं, स्कैनरिज्म, है ना। इनके सिद्धांत को स्कैनरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जब यहाँ पे चूहा रख दिया और यहाँ लीवर लगा दिया, और इस बॉक्स को क्या नाम दिया, स्किनर बॉक्स का नाम दिया, और इसमें इन्होंने क्या कंडीशन लगाई, लीवर। लीवर क्या हुआ इनका, जैसे ही चूहा इधर उधर से भूख लगती तो वो क्या करता, क्रिया करता। अभी तक क्या था, भोजन सामने नहीं था। पावला और थंडाइक ने क्या किया, जब भोजन देखते थे तब वो लोग क्रिया करते थे, लेकिन स्किनर ने क्या किया कि जब इसे ऐसे भूख लगी, चूहे को भूख लगा या कबूतर को भूख लगा, तो वो क्रिया करना स्टार्ट कर दिया। और जब क्रिया करता है तो उसका पैर किस पे जाता है, लीवर पे, और जब लीवर पे उसका पैर जाता है तो खट से आवाज आती है, खट से आवाज आती है तो उसे भोजन की प्लेट मिलती है, और वो क्या करता है, भोजन करता है। और भोजन क्या होता है, उसको पुनर्बलन प्रदान करता है, उसको शक्ति प्रदान करती है, और उससे क्या होता है, वो संतुष्ट होता है। यही संतुष्टिकरण जो है उसे फिर से क्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। बात समझ में आई। अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए और आपने बहुत अच्छा नंबर ला लिया, तो आप क्या होते हैं, अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अगले एग्ज़ाम के लिए। आप क्या करते हैं, और हायर और अवेलेबल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने जितना पढ़ा 80% पढ़ा, और मैंने क्या 70% गेन कर लिया। ये आपका क्या हो गया, आपको संतुष्ट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ की 100% एफिशिएंसी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप 100% कर रहे हैं, अपना दे रहे हैं, तो आपको 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। बिजली में देख लीजिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर में देख लीजिए, एमीमीटर में देख लीजिए, जितनी बिजली आप देते हैं उतना आपको प्राप्त नहीं होता है। जैसे अगर आप 5 यूनिट बिजली दे रहे हैं, तो आपको पूरी की पूरी यूनिट बिजली प्राप्त नहीं होगी। वो कितनी यूनिट होगी, 4.99 या 4.09, इस तरीके से आपको प्राप्त होगी। पूरी की पूरी 5 यूनिट बिजली आपको प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार अगर आप 100% अपना दे रहे हैं, तो आप कभी 100% नंबर नहीं पाएंगे। सुना है आपने कभी? लेकिन कुछ अभी मैंने देखा DLED में, जब लोग जाते हैं उस पर टीचिंग पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नंबर जो उनको मिलता है वो क्या होता है, 100 में से 100, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई एकदम एक्यूरेट, एकदम कोई एफिशिएंसी उसकी 100 हो ही नहीं सकती। है कोई इतना परफेक्ट दुनिया में? कोई नहीं। तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड होता है, जो मानक होता है, कि आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो वो आपको एज 100% प्राप्त नहीं होगा। उसमें क्या होती है, कुछ कमी होती है। किसकी कमी होती है, अगर किसी वस्तु से आप काम ले रहे हैं, ठीक है, आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, कितना, 10 न्यूटन, और आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 9 न्यूटन, तो किसका लॉस हुआ, एनर्जी का। इसी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, यही पुनर्बलन जो है आपका किसका कार्य कर रहा है, ऊर्जा का, शक्ति का कार्य कर रहा है। चूहे को शक्ति प्रदान हो रही है, और इन्होंने ये बताया कि क्रिया पहले की, इसके बाद जो है ये आपका भोजन किसका कार्य किया, पुनर्बलन या उद्दीपन का कार्य किया।
इन्होंने ये बताया उद्दीपन इसमें गौण होता है और प्रमुख क्या होता है, क्रिया होती है। इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक सिद्धांत कहते हैं, फंक्शनल थ्योरी, है ना। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, क्रियात्मक सिद्धांत। इन्होंने कहा कि क्रिया पहले आती है और उद्दीपन क्या होता है, गौण होता है। उद्दीपन के स्थान पे इन्होंने क्या बताया, पुनर्बलन। इसीलिए जब भी इनकी थ्योरी अगर लिखाता है SR तो उसके साथ क्या लिखाता है, प्लस रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन के साथ। नहीं तो इनकी थ्योरी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड थ्योरी, रिस्पॉन्ड थ्योरी मतलब अनुक्रिया। अनुक्रिया प्रसूत जिसे आप कहते हैं, अनुक्रिया प्रसूत, अनुबंधन। अनुबंधन क्या है, आपका कंडीशन है। जैसे आप एसी वाले रूम में देखे रहे, वो एसी क्या करता है, गर्मी में भी आपको ठंडी का एहसास दिलाता है। बाहर का एटमॉस्फेयर कितना भी गर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको किसका महसूस हो रहा है, ठंडी का। ये क्या आपको पूरा आपका एनवायरनमेंट क्या है, अनुकूलित है, क्या है, कंडीशंस है उसमें। तो इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या कहते हैं, अनुक्रिया प्रसूत, अनुबंधन का सिद्धांत। क्लियर, समझ में आ रहा है, और पढ़ाएं, चलिए अच्छे इस पर रिवाइज करके आइएगा।